नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी और दुखद खबर, दिलीप कुमार के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उनका जाना सांस्कृतिक दुनिया के लिए बड़ी क्षति बताया पीएम मोदी ने। राहुल गांधी ने भी इस पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताते हुए उन्होंने जाहिर किया है कि भारतीय सिनेमा में उनका योगदान पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। 98 साल की उम्र में दरअसल दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने आखिरी सांस ली। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे और दिलीप कुमार का निधन हो गया, तो इस पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है ट्वीट करते हुए। और साथ ही साथ राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है। दोनों ने ही श्रद्धांजलि अर्पित किया। 98 साल के उम्र में दिलीप कुमार बताए जा रहे थे और एक हफ्ते से ही उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन उनके हालत में जरा भी सुधार नजर नहीं आ रहा था। तो बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार का निधन हो गया है और वो 98 साल के थे। आज सुबह करीब 7:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत के चलते 29 जून को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैजल फारूखी ने आज एक्टर के ट्विटर से उनके निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बहुत भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है कि अब दिलीप साहब हमारे बीच नहीं रहे। दिलीप कुमार को असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा में द फर्स्ट खान के नाम से जाना जाता है। हिंदी सिनेमा में मेथड एक्टिंग का क्रेडिट उन्हें ही जाता है। दिलीप कुमार ने अपने एक्टिंग की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वार भट्टा से की थी। तो ज्वार भाटा से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इसे बॉम्बे टॉकीज ने प्रोड्यूस किया था। करीब 5 दशक के एक्टिंग करियर में 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया उन्होंने। दिलीप कुमार की कुछ फिल्में हैं जैसे कि अंदाज जो कि 1949 में आई थी, आन 1952 में, दाग 1952 में, देवदास 1955 में, आजाद 1955 में। तो दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था और जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय किया उसके लिए आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। सभी की आंखें नम हैं और पूरा भारत शोक संतप्त जता रहा है। और ऐसे में 8 दिनों से अस्पताल में वो भर्ती चल रहे थे, इस बारे में जानकारी मिल रही थी। लगातार डॉक्टर्स की एक टीम उनके सेहत पर नजर बनाई हुई थी, लेकिन आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो अभिनेता दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस पर राहुल गांधी और साथ ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए शोक जताया है। डॉक्टर साहब एक रिएक्शन अंकर खरखरियाल अरे सूरज जरा आउटपुट चाहिए। मोबाइल पर जलील साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब एक मिनट क्या जानकारी है अरे दो मिनट रुको बाबा, कोई आने वाला है फिर मैं बात करता हूँ। सर बेसिक जानकारी दे दीजिए। दो मिनट रुकिए प्लीज, दो मिनट रुकिए। हैव पेशेंस, आई विल टॉक, लेट हिम कम।
जो लगातार इलाज कर रहे हैं दिलीप साहब का, पहले रिकॉर्ड करने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले सुनिए, ये इनका नाम है फैसल फारूकी, ये इनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ट्विटर हैंडल जो है वो यही हैंडल करते हैं, तो जो भी आप पूछेंगे मुझसे बात कीजिए और इनसे बात कीजिए ताकि एक बार ही हम सब आपको बता सकें। पहले हेल्थ का अपडेट कर दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए सर, दिलीप साहब ने आज जो है सुबह 7:30 बजे के आसपास अंतिम सांस ली, आप लगातार इलाज कर रहे थे, उन्हें क्या ट्रीटमेंट किया? देखिए ये वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया, 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफें होती हैं और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है, उम्र का तकाजा था और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। सर बाद वो 30 जून को एडमिट हुए थे, क्या समस्याएं उनको आई थी जिसकी वजह से वो एडमिट हुए थे और लगातार इससे पहले भी 5 जून को भी एडमिट हुए थे? देखिए कोई देहांत होने के बाद रीजन ऑफ डेथ नहीं पूछा जाता, ठीक है ना, थोड़ी तो इज्जत देनी चाहिए जो इंसान का देहांत होता है। तो ये वक्त नहीं है कि क्या रीज़न है क्या नहीं है, उनको सांस की तकलीफें थी पहले तो आपको सब मालूम था, तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था, उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था, नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था, फिर डॉक्टर अनीता पटेल जी थी जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनको भी बुलाया गया था, डॉक्टर जयदीप पालेट जो सर्जन थे उनको भी बुलाया गया था, तो हम सब मिलकर जो भी इलाज करते थे वो साथ में करते थे, साथ में इंटेंसिविस्ट जो थे वो भी थे मौजूद, तो इलाज जो भी करना था वो हमने मिलकर किया है, कोशिश तो बहुत की, हम चाहते थे कि उनके 100 साल पूरे हों, उनके ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कभी पैदा होगा, शख्सियत काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड का नाम नहीं अपने देश का नाम भी रोशन किया है और मुझे लगता है कि उन्होंने नाम बॉलीवुड का हॉलीवुड से ज़्यादा भी कर चुके हैं। आगे की चीज़ें आपको अगर पूछनी है तो फैसल फारूकी साहब के साथ पूछिए, फिर मैं आपसे वापस बात करता हूँ, इनसे पूछ लो ना, इनसे बात करते कैसा रिश्ता रहा है कई सालों से, आप उनको जानते थे, खिदमत की उनकी, क्या कुछ बताएंगे? दिलीप साहब आप जैसे जानते हैं कि एक खाली फिल्म अदाकार ही नहीं थे, फिल्म एक्टर ही नहीं थे, बहुत ही ग्रेट ह्यूमन बीइंग थे और इस रिश्ते से उनकी मोहब्बत सारे देश के हर एक उस बच्चे से बड़े से बूढ़े से रहती थी, जिसको देश से प्रेम हो, जिसको फिल्म से प्रेम हो, आर्ट से प्रेम हो और इंसानियत फूट फूट के उनमें भरी गई थी। इसी सिलसिले से साहब को मैंने ट्विटर पे इंट्रोड्यूस कराया, सोशल मीडिया पे उनको फेसबुक, शुरू शुरू में वो ट्विटर खुद ही पढ़ते थे और मुझको बोल देते थे रिप्लाई करना, धीरे धीरे जैसे उनकी तबीयत थोड़ा नासाज हुई तो उन्होंने डिक्टेट करना बंद कर दिया, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, और लेकिन उनका
एक पब्लिक से, एक उनके फैन से, वेल विशर से हमेशा एक कनेक्शन बढ़ा रहा, बना रहा, चाहे वो वॉक कर रहे हों जॉगर्स पार्क में, चाहे वो बाहर कहीं जा रहे हों एयरपोर्ट पे, हर जगह उनकी मोहब्बत हमेशा उनके चेहरे पे लगती थी। कोई उनसे मिल जाता था तो 5 मिनट 10 मिनट तक तो खैरियत पूछते थे। और मुझे लगता है कि दिलीप साहब जैसा इंसान इस दुनिया में आज की तारीख में और हो सकता है आगे भी आना बहुत मुश्किल। सायरा जी की स्थिति क्या है? सायरा जी आपको मालूम है, सायरा जी दिलीप कुमार को, मुझको लगता है जब से वो पैदा हुई हैं वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। और सायरा जी की ऑफिशियली उनकी 55 साल की ज़िंदगी जो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ जो उन्होंने साथ में गुजारा है वो एक मिसाल है। जी अभी वही फैमिली और हम लोग सब लोग बैठे हैं ऊपर, कुछ ही देर में हम आप लोगों को इतला कर देंगे। शाम हमने ये सोचा है कि 5 बजे बैरियल उनका जुहू कब्रिस्तान में जो सांडा क्रूज पे है वहाँ पर होगा। क्या उनका अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी फेमस थे, बॉलीवुड के आइकॉन्स हैं, राजनीतिक जगत के लोग उनके फैंस हैं। ये मैं आपको इतला कर दूंगा, अभी वो बात चल रही है और ट्विटर पे भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक जी, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सर। गंदी लेने सर, आज अंतिम श्वास घेतला त्याबद्दल थोडस। आज सकाळी पहाटे 7:30 वाजता त्यांची तब्येत बिघडली होती आणि जेव्हा त्यांची तब्येत बिघडली तेव्हा सायराजी होती आणि त्यांचे कार्डिओलॉजिस्ट जे आहेत डॉक्टर नितीन गोखले ते पण होते आणि अंतिम श्वास त्यांनी घेतला 7:30 वाजता। आजारपण तर त्यांना होता तुमच्या सर्वांना माहिती होता, पण वयाप्रमाणे जे आजारपण असतं ते त्यांना होतं आणि 98 वर्षाच्या माणसाकडून आणखीन काय जास्त अपेक्षा आपण करू शकतो। तर ईश्वराशी प्रार्थना अशी आहे की त्यांच्या हृदयाला शांती मिळो, हीच आपली प्रार्थना आहे। सर, ह्याच्या आधी ट्विट आला होता की त्यांची हेल्थ सुधारत आहे, नंतर काय म्हणजे डिटोरिएट झाला? हा वेळ नाही आहे की त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करू शकू। तुम्हाला एक माहिती पडलं पाहिजे की 98 वर्षाच्या माणसाबद्दल त्यांचं आता निधन झालेलं आहे, तर हे त्यांना आजारपण काय होता, कधी कुठला आजारपण झाला, हा एवढं मी बोलू शकतो की पुष्कळ डॉक्टर लोक आले होते, आम्ही सर्व मिळून त्यांचा उपचार केला इलाजाचा। डॉक्टर नितीन गोखले त्यांचे कार्डिओलॉजिस्ट आहेत, मी आहे, डॉक्टर अनिता पटेल आली होती, युरोलॉजिस्ट आहेत डॉक्टर जयदीप पाले ते होते जे सर्जन आहेत आणि इंटेन्सिविस्ट पण होते। जरा साइड ला जरा पाठी घ्या ना।